दोस्तों काफ़ी दिनों से आपके मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि जो आपकी सी टेट की दिसंबर में 2019 में परीक्षा हुई थी तो उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट डिजी लॉकर पर कब आएगा। तो फाइनली डिजी लॉकर पर आप अपना सर्टिफिकेट सी टेट 2019 का दिसंबर का और मार्कशीट दोनों डाउनलोड कर सकते हैं, वो अपलोड किया जा चुका है डिजी लॉकर पर। बाकी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस बता ही दूंगा कि किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। बाकी अगर फिर भी आपको कोई समस्या हो रही है तो दो तीन चीज़ें आप जान लो। एक तो आप ये कोशिश करो जो जब भी आपने सी टेट का फॉर्म भरा था, ठीक है, जब भी आपने सी टेट का फॉर्म भरा था, फॉर्म भरते समय आपने जो नंबर दिया था ना, जो नंबर रजिस्टर करा था, तो उसी नंबर से लॉगिन करना है आपको डिजी लॉकर पर, ठीक है। बाकी दोस्तों कुछ समस्याएं हो जाती है डिजी लॉकर पर लॉगिन वगैरह करने में, आधार कार्ड लिंक वगैरह करने में, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक और काम करना है, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। आपको जो सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.NIC.in, ठीक है, इस पर भी कुछ समय बाद आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ बिल्कुल भी समस्या नहीं होती। मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा, आप थोड़ा सा वेट कर लो अगर आपको समस्या हो रही है तो, जो CTET.NIC.in की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन फिर भी आपको अभी करना है और बिल्कुल अभी ही करना है मतलब, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको डीपली समझा दूंगा। इसमें मैंने आपको डीपली बताया लेकिन उसमें बिल्कुल ही मतलब जितने भी आपके डाउट है, जो जो आपको समस्या क्रिएट हो सकती है डाउनलोड करने में, उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो इसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। और दूसरी चीज़ आप ये देख लेना, आप सर्टिफिकेट और मार्कशीट दो चीज़ डाउनलोड करोगे, इसमें ना आपकी, इसमें ना दोस्तों जो आपकी मार्कशीट है, मार्कशीट में तो आपकी सिग्नेचर होंगे लेकिन सर्टिफिकेट में आपकी सिग्नेचर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ नोटिस कर लेना, अगर आपके दोनों में सिग्नेचर नहीं है तो फिर थोड़ी सी समस्या है, ठीक है। तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। लेकिन अब तो दोस्तों अब तो ज़्यादा ही काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, अब फर्स्ट टाइम तो आ नहीं रहा डिजी लॉकर पर, पहले भी आ चुका है, तो इसलिए इस तरह की समस्या कम ही देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप उनमें से एक है जिनके साथ ये वाली समस्या हो रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। सर्टिफिकेट में आपके सिग्नेचर नहीं होंगे, जो आप मार्कशीट डाउनलोड करोगे उसमें आपके जो आपका फोटो होगा ना उसके नीचे आपके सिग्नेचर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों दिखा देता हूं आपको किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। बाकी आपका जो डिजी लॉकर का एप्लीकेशन है उससे भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी, आपको गूगल क्रोम में इंस्टॉल करना है, सॉरी डाउनलोड करना है, तो आप गूगल क्रोम से भी इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। और अगर आप गूगल क्रोम में से डिजी लॉकर को सर्च करोगे तो इसी तरह का आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इधर आने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन आप सिंपल कर सकते हैं, ठीक है, आपने अगर पहले भी इससे पहले लॉगिन करा है तो वही आपका नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर से आप इसे लॉगिन कर सकते हैं सिंपल। और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो उधर साइन आपका एक ऑप्शन दिखेगा आपको नीचे की तरफ, ठीक है, वहाँ पर जाकर भी आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, दोनों करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आप कोशिश वही करना जो आपने सी टेट का जब फॉर्म भरा था उसमें जब आपने जो नंबर दिया था तो वही उसी नंबर से आपको इसमें लॉगिन करना है, या फिर जो आप अगर नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो फिर उसी से रजिस्टर करना है, ठीक है, इसमें डिजी लॉकर में भी साइन अप करना है। तो दोनों में करने के बाद तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है, चाहे क्रोम है चाहे फिर एप्लीकेशन है। तो सेम ये एक का बता देता हूँ, दूसरे का आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो इधर सबसे पहले गेट इशू डॉक्यूमेंट्स का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसी दोस्तों इस तरह का कुछ लिखा जाए तो इधर आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब CBSE देखना है, लेकिन आप इधर ऊपर सर्च कर सकते हैं, हमने सर्च कर लिया सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का एक स्क्रॉल करके आ जाओगे, ठीक है, नीचे की तरफ। तो इधर काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन हमें तो सी टेट का देखना है। तो इधर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट और टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट दोनों है, ठीक है, आपको एक एक करके दोनों करनी है। मैं सर्टिफिकेट का बता रहा हूँ, सेम उसी तरह से आपको मार्कशीट भी करनी है, ठीक है। तो दोनों कर लेना, सेम है बिल्कुल दोनों का प्रोसेस। तो सर्टिफिकेट का जब हम देखते हैं तो इधर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। तो इधर दोस्तों सिंपल, चाहे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं चाहे आप मार्कशीट कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों इधर फिलहाल सर्टिफिकेट हम कर रहे हैं। इधर आपको सबसे ऊपर बना रोल नंबर डालना है, ठीक है, रोल नंबर आपको पता ही होगा, जो आपका एडमिट कार्ड आया तो उसमें आपका रोल नंबर होगा। रोल नंबर डालने के बाद इधर सबसे पहले रोल नंबर डाल देते हैं, ठीक है, इधर रोल नंबर डाल दो अपना सी टेट का दिसंबर 2019 का, या फिर अगर आप देखो इधर जब सिलेक्ट ईयर मंथ करोगे आप दिसंबर 2019, दिसंबर 2018, जुलाई 2019 और दिसंबर 2019 सारे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये दो तो करने नहीं, फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं। तो जोन सभी आपको डाउनलोड करना है तो उसी का रोल नंबर आपको इधर डालना है। तो हम दिसंबर 2019 की बात कर रहे हैं तो हमने उसका रोल नंबर इधर डाल दिया और बाकी इधर कर दिया, ठीक है। तो इधर गेट डॉक्यूमेंट्स में आपको सिंपल क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद आपका वो डाउनलोड हो जाएगा सिंपल, ठीक है। तो फिर आपको इधर एक ऑप्शन दिखेगा, सॉरी इधर ये, ठीक है, इशू डॉक्यूमेंट्स। तो आपको इधर इस वाले सेक्शन पे आ जाना है। तो इधर आप देख सकते हैं दोनों ही चीज़ें इधर आपको दिखने को मिल जाएगी, ठीक है, हमारा सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो चुका है और मार्कशीट भी डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। आपको इधर से सिंपल ओपन कर लेना है इसे और इसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा के रख लेना है। आप PDF में कहीं सेफ जगह आप इसे सेव भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रिंट आउट निकलवा के रख लोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा।
तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको सारा बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या क्रिएट हो रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दो कौन सी आपको समस्या क्रिएट हो रही है। वही आपका शायद से वही इशू हो सकता है कि जो आपने सी टेट का फॉर्म भरते टाइम जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करा था उसी से आपने लॉगिन ना करा हो, एक तो आपका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही हो सकता है। ठीक है, बाकी आपका कोई और भी कारण है, ये भी कारण है, कैसा भी कारण है, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से तो नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि टीचिंग से संबंधित हमारी सारी वीडियोज़ होती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।